कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछोगे विदाउट एनी हेजिटेशंस। चलिए आ जाइए। देखो सर, आपने लिगेंड के बारे में सुन लिया था, जो हमारे पुराने वाले दोस्त हैं उन लोगों ने लिगेंड के बारे में जी सुना ही होगा, ठीक है, तो उनको पता होगा कि लिगेंड क्या होता है। लेकिन उसमें भी ना सर क्या होता है कि दो तरह के लिगेंड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। लिगेंड में लीगेंड दो, पहला एक लिगेंड हो जाता है डब्ल्यू एफ एल, वीक फील्ड लिगेंड, और दूसरा क्या हो स्ट्रॉन्ग जाता है एस एफ फील्ड एल, लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड। चलिए सुनते रहिए, नोट करते चलिए कौन कौन से लिगेंड्स हैं यहाँ पर पॉसिबली दोस्तों। तो आपका ये हो जाएगा आपका वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। टू टाइप के लिगेंड्स हैं, आगे इनको बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि इनका काम क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या है, वो सारी चीजें। तो चलिए इसको हम लोग ना कि भाई किसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं, कि भाई अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि देखो सर कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो उनका ऑर्डर में लिखूंगा और क्लियरली बोलूंगा कि देखो सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, और आप लोग उसे नोट करिएगा। चलिए आ जाइए, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो है CO, कार्बोनिल। फिर उसके बाद से आपका क्या है, साइनाइड। यस अच्छा स्क्रीन सभी लोगों को विजिबल है, दिख रही है दोस्तों? विजिबल है। यस। अब यहाँ पे देखिएगा NO2-। फिर उसके बाद से यहाँ पर डाइपिरिडीन है, क्या है ये, डाइपिरिडीन। फिर उसके बाद से एथिलीन डाइएमाइन, ये लिगेंड है आपका। फिर यस उसके बाद से सर। आप आ जाओगे तो ये क्या है आपका, NH3-अमोनिया लिगेंड है, और ये नियरली इक्विवेलेंट है इनका, जो स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हो ना कि भाई स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो नियरली सेम है, वो पीरिडीन के भी इक्वल है, ठीक है। चलिए उसके बाद से मैंने एक चीज गड़बड़ कर दिया, नहीं अमोनिया अमोनिया पीरिडीन को मैंने इंसर्ट करा है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखोगे EDTA, ठीक है, 4-। फिर उसके बाद से आ जाता है यहाँ पर NCS। NCS में यहाँ पर डोनर कौन है, तो ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन डोनर है। कौन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सर, बाकी ठीक है। EDTA के बाद आ जाएगा NCS, और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों वाटर, क्या आ जाएगा वाटर। वाटर। देखिएगा वाटर से पहले जितने भी लिगेंड है ना दोस्तों, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या है, यस स्ट्रॉन्ग सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड फील्ड लिगेंड। बढ़िया, ग्रेट, आई होप आप लोगों को क्लियर। अब इसके बाद जितना लिखूंगा वो सारे के सारे कौन से होंगे लिगेंड दोस्तों, वीक वीक फील्ड लिगेंड होंगे। फील्ड तो ये रहा आपका ऑक्सलेट 2-, ये भी लिगेंड हो गया, वीक होगा। फिर उसके बाद से आई होप कलर बदल दें तो ज्यादा और अच्छा रहेगा, तो ये रहा, नहीं, रेड, ये चलिए ऑक्सलेट हो गया, वाटर के बाद ऑक्सलेट। फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, OH-, फिर आपका F-, फिर उसके बाद से S2S-, फिर आपका हो जाएगा Cl-। ये सारे के सारे लिगेंड्स हैं, और उसके बाद से देखोगे SCN-। यहाँ पे कौन डोनर है दोस्तों, सल्फर डोनर है, कौन सल्फर सल्फर डोनर है, सल्फर चलिए बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, सल्फर के बाद हो जाएगा इसके बाद आपका ब्रोमाइड आयन में, इसके पास भी लिगेंड है तो लोन पेयर है सॉरी, तो वो भी डोनेट कर सकता है। और सबसे लास्ट जो है वीक सबसे जो लिगेंड है वो आयोडाइड लिगेंड है, क्लियर हो गया, या आयोडो बोल सकते हो आप। यस अब इनको मैं वाटर के बाद से आप ले लीजिए और यहां तक, तो इनको आप क्या बोलोगे कि देखो सर ये सभी के सभी क्या है, वीक फील्ड वीक, लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया, यस सर। कोई शक, नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया। सो ये दो चीजें, बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा।
और एक चीज और आप लोगों को यहीं पे रिमाइंड करा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और मैं क्लियरली बताऊंगा अभी वीबीटी में। ये रेड कलर में मार्क कर लीजिए, ये जो आप क्यूट सा अमोनिया देख रहे हो ना, एक अमोनिया लिगेंड, ये ना फ्यू एक्सेप्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? एक्सेप्शन, और इसी में आपको एग्जामिनर हो सकता है फंसा है। तो ये वाले पे ऊपर लिख लीजिए कि सर अमोनिया में थोड़े बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे, उसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए आ जाइए, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो इजाजत हो तो आगे बढ़े सब। चलिए अब देखिए, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलती है और इसकी वजह से मुझे मिलेगा क्या, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। तो बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर वैलेंस बॉन्ड थियरी आप पढ़ोगे तो आप एग्जैक्टली क्या कहोगे कि देखो सर विद द हेल्प ऑफ बीबीटी आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आप ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो उस मॉलिक्यूल्स का, और उसे मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि सर ये पैरा मैग्नेटिक होगा कि डाया मैग्नेटिक होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। सो इससे पहला चीज हम क्या निकालेंगे कि सर इसका शेप या ज्योमेट्री, क्या शेप या फिर आप लिख लीजिए, इनमें थोड़ा सा माइनर चेंज है जो मैं आपको एक दिन बता दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्लियर नहीं किया था मैंने। और दूसरा कि सर मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे कि देखो सर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। कितने लोग एग्री कर रहे हैं भाई? यस सर, पैरा मैग्नेटिक। और अगर टोटल पेयर होगा तो डाया मैग्नेटिक, यानी कि आपको दो ही इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कि सर वो पैरा मैग्नेटिक होगा या फिर वो क्या हो सकता है, डाया मैग्नेटिक। दो चीज, तो यहाँ से हमें दो चीजें कंक्लूजन निकल के आने वाले। अब हम बैलेंस बॉन्ड थियरी को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास हैं तो उनके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम डिस्कस करते हुए बीबीटी को चलेंगे। तो आ जाइए, आप लोगों से अगर मैं एक बात कहूं कि देखो सर पहला स्टेप क्या बोल रहा है, द सेंट्रल मेटल एटम लॉस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स क्या है, MiCl4+2+। ठीक है, अब एक बात बताइए, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे इसमें कि देखो सर इसके इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। yes, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए तो मैं मान लेता हूँ कि निकल का निकालना है तो इसका एक्स मान लेता हूँ, हेलोजन का -1 होता है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं निकालूंगा तो देखो सर कितना आने वाला है, यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x+4(-1)=+2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू +2 आएगी। यस सर, मैं सही लिखा हूँ क्या? पॉजिटिव, +6 नहीं आएगी सर, +6 नहीं आएगी, क्या आएगा, +6 आएगी सर, 4 दूसरी साइड जाके पॉजिटिव का नहीं हो जाएगा, तो यानी कि ये आने वाला है x-4=+2, यही है ना? यस सर। तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू +6। क्या ये पॉसिबल है, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका? +6 निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? नो सर। तो अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ये जो मैंने चार्ज लिखा हुआ है क्या ये गलत लिखा हुआ है? यस सर, तब गलत लिखा है। अब क्या +2 आएगा? यस सर। तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मेन स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका,
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में गलती कर दोगे तो आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बदल जाएंगे, इधर उधर चेंज हो जाएगा, तो आप पैरा मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज कि जिन लोगों को लगता है दोस्तों कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो प्लीज वो निकालिए, आप उसको ट्राई करिए, ठीक है? यस सर, ठीक है। तो इसकी बेसिक नीड यही है। अब मैं यहाँ पे करूंगा, देखो सर माइनस टू, अब एक्स की वैल्यू प्लस टू आएगी, एग्री? यस सर, एग्री। चलिए, तो सबसे पहले आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया होगा कहीं भी दिया होगा, तो आप क्या करोगे कि देखो सर उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का निकालेंगे, ठीक। और yes, यहाँ पे फिर क्या करोगे, सेंट्रल एटम का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, और बैलेंस बैलेंस बॉन्ड थियरी का मोटो क्या है वो मैंने बताया ही नहीं कि देखो सर अब यहाँ पे सुनिएगा, अगर ये निकिल NiCl4 2 माइनस जो मॉलिक्यूल्स है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का, ये बना कैसे, समझ रहे हो? कि देखो सर ये जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का काम क्या है कि ये कैसे बना है, इसमें ओवरलैपिंग कहां से हुई, कि निकल मेटल अलग है क्लोरीन लिगेंड अलग है, तो आके जुड़ कैसे गए, और जुड़े तो कैसे जुड़े, कौन सा बॉन्ड है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आपको पता है कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इसलिए ये बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि देखो सर ये रहा निकिल आपका, और निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 4s2, आर यू एग्री? चलिए अब बताइए, अगर मैं अब लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में आप चेक करोगे तो आपका जो निकिल मिलने वाला है Ni2+ में मिलने वाला है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट उसका प्लस टू है। तो अब मैं इसका 2+ का जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर, 3d6 4s0। क्या मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी कहूँ कि सर 4p भी जीरो है? Yes, sir. आगे क्या 4d भी जीरो है कि नहीं? Yes, sir. चलिए सर हमने मान लिया कि देखो सर ये रहा आपका 3d5, 1 2 3 4 and 5, ये क्या हो गया आपका 4s, और ये रहा आपका 4p, ये रहा आपका 4d, और सारे के सारे वैकेंट होंगे कि नहीं बाहर वाले? यस होंगे। बढ़िया है, चलो सर समझ में आ गया। अब आपसे कहा ये जाता है कि देखो सर ये रहा आपका 3d6, ये रहा आपका 4s, ये रहा आपका 4p, और ये रहा आपका 4d। ये पूरी स्टोरी थी, लेकिन अब आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे, देखो सर 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे भरेंगे कि नहीं भरेंगे बताइए आप लोग? अब हुआ क्या कि सेंट्रल एटम के अंदर निकिल जो है इस कंपाउंड में, निकिल Ni2+ के फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही क्लोरीन इससे आके अटैच्ड होगा जुड़ेगा। अब क्लोरीन का क्या प्रॉपर्टीज है कि देखो सर क्लोराइड जो लिगेंड है Cl- एक और Cl- एक और Cl- एक और Cl-, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सर मेटल से आके जैसे ही ओवरलैप करेगा ना, उससे पहले क्या होगा कि सेकेंड स्टेप होगा दोस्तों, कौन सा, कि द सेंट्रल मेटम हैव वैकेंट एएसपी एसपीडी, जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनका क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, समझ गए? हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो आपको बताया था ना कि बॉन्ड बनने से पहले जो एटम्स होता है वो पहले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है? करता है सर। तो अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से, एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड और चार लिगेंड, यानी कि चार लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर हो गया, किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए तो अब देखिएगा ये एक, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या इसके अंदर क्या ये वाला 3d एम्प्टी है क्या? यस सर, नहीं है ना, नो सर, 3d एम्प्टी नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, देखो सर ये रहा एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल और ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। सिंपल, अब हुआ क्या कि देखो सर ये जो सीएल क्लोराइड लिगेंड है वो इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है एक ऑर्बिटल में? No, sir. बहुत बढ़िया, तो जब ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो अब क्या होगा कि देखो सर अब
इसमें तो बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, तो अब एक यस और थ्री पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, क्या होगा इनका, हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पे देखोगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ज्योमेट्री आपने बता दिया। अब हुआ क्या, आगे इसका स्ट्रक्चर जब मैं ऊपर बनाऊंगा तो यही जो निकल मेटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ कि देखो सर ये जो Ni2+ है, या ऊपर मैं इसको मिटा देता हूँ, यही पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझदार हो वैसे। तो क्या हो जाएगा कि देखो सर एक क्लोरीन लिगेंड ये, यहाँ पर एक और क्लोराइड लिगेंड, यहाँ पर एक और क्लोराइड लिगेंड, एक और क्लोराइड लिगेंड, ये जो लिगेंड है ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ को ऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब बताओ ये सारे के सारे क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और अब बताइए ये जो दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये वाले दिए वाले इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बताइए इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे क्योंकि चार लिगेंड अटैच हो रहे हैं। और आपसे अगर मैं यही पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो क्या बोलोगे, sp3, यस sp3, यस सर। ज्योमेट्री क्या होगी इसका, टेट्राहेड्रल। एक बात बताओ और, अब इसमें आप लोग चेक करो अंदर वाला जो 3d है क्या 6, 3d6 ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है कि नहीं, Yes, sir. बताओ इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, four. अब इसमें आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 4। अब बताइए क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, समझ गए, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसलिए बोलेंगे स्ट्रॉन्गली पैरा मैग्नेटिक। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि भैया म्यू की वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे, 4 point something, ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब बताओ वीबीटी का सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और अब उसमें चेक करोगे कितने लिगेंड है, चार लिगेंड है तो चार हाइब्रिडाइज करोगे, पांच होगा तो पांच करोगे, छह होगा तो छह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करोगे। हाँ सर, निकल की कॉन्फ़िगरेशन तो 3d8 4s2 होती है ना। अच्छा 3d8 4s2 होता है क्या? हाँ जी सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया मिस्टर जीनियस हो, ये क्या होगा 3d8 4s2, समझ गए आप लोग, मैं भी गलती कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 7 और ये 8, क्लियर हो गया, यस सर। हाँ तो थोड़ा चेक भी कर लिया करो, कमाल है यार, पूरी कथा चली गई और हम यहाँ पे गड़बड़ी करते जा रहे हैं। अब बताइए n की वैल्यू यहाँ पर क्या बदल जाएगी क्या, यस सर, 2। क्या म्यू की वैल्यू बदल जाएगी क्या, यस, 2 point something 2 point। एक और काम करो कि भाई अगर मैं भूल जाऊं ऐसे कहीं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख दूं, तो आप लोग थोड़ा बहुत चेक करते रहो, ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट हमारा सब सही था, हमने वहां पे लिखने में गलती कर दी। तो पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा, थैंक यू बताने के लिए दोस्त, कि भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है, फिर उसके बाद से उसके अंदर देखोगे मॉलिक्यूल्स के अंदर कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराओगे। जैसे कि यहाँ पर सीएल था तो कितने थे, 4 लिगेंड, तो 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद से जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा तो आपको पता चल जाएगा कि sp3 है कि sp2 है, क्या है, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, यस सर। और आप उसी में देख भी लोगे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बेसिस पर आप पैरा मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक डिफाइन कर दोगे। डन सर। आगे भी और दो चार क्वेश्चंस इसके बेसिस पर डिस्कस करते हैं, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाइए, ये तो हमारा स्ट्रक्चर था कि देखो सर हमने NiCl, अब आप अगर आपसे कोई पूछे कि NiCl का स्ट्रक्चर क्या है तो क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल डन,
यस सर। आ जाइए दोस्तों, अब आप लोगों से पूछता हूँ कि देखो सर, यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स है NICN, क्या है NICN 4 2 minus, क्या यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा निकिल का दोस्तों, तो कितना आने वाला है निकिल का Ni2+, ठीक है? यस सर, ऑक्सीडेशन का Ni2+ आने वाला है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s 0 4p 0 4d 0 4p 0 और 4d 0, होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग। अब यहाँ पे आप देखिएगा, आप देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, कहीं मेरे से ऐसे कहीं गलती से कुछ ऐसा ना लिख जाए कि आखिरी में हमें करेक्शन करना पड़े। चलिए अब बताइए कि कितने साइनाइड लिगेंड है यहाँ पर, 4 साइनाइड लिगेंड 4। अब 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेंगे। आप लोग दिमाग लगाओ, कौन सा लिगेंड है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि नहीं? चलिए आ जाइए चेक करते एक बार, पुरानी कहानी देखिए, ये रहा साइनेट सेकेंड नंबर का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वाटर से पहले है तो सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लियर? यस सर। आप लोग जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों की प्रायोरिटी समझना सबसे पहले। अब आ जाइए यहाँ पे, मैंने क्या करा, सारे के सारे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, हमें पता चल गया कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, 4 है, तो 4 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में जाने वाले तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक चीज और एड हो जाएगा दोस्तों, क्या एड हो जाएगा कि वो देखिएगा कि वही निकिल की कहानी अब भी है और अब साइनाइड लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसकी कहानी क्या हो गई है, बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी दोस्तों, तो ये रहा आपका 3D8, तो 1 2 3 4 and 5, ये क्या हो गया आपका 3D8 और ये आपका 4s हो गया, ठीक है, और ये रहा आपका 4b। मैं इतना ही लिखता हूँ क्योंकि हमें इतने की ही जरूरत है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि सर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन Ni2+ का हमें भरना है, क्या भरना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब एक चीज नोट करिए यहाँ पर कि अगर मैं आपसे कहता हूं ना, नोट में लिखिए यहाँ पर, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर प्रेजेंट, क्या, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर प्रेजेंट देन अरेंजमेंट, लिखिए, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर प्रेजेंट देन अरेंजमेंट बोल सकते हो या फिर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, ठीक है, देन पेयरिंग of electron in central metal atom, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे कि देखो सर, अगर आपके पास central metal atom है और उसके अंदर strong field ligand है, तो क्या करोगे कि pairing of electron होगा, ठीक है? Yes sir. अब एक बात बताओ कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब आप चेक करोगे तो देखोगे सर ये साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेयरिंग, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके इसमें आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है सर, आएगा। इसका मतलब कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ करा दूंगा, तो अगला जब मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूंगा तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है कि देखो सर Ni2+, और अब यहाँ पे आप लोग चेक करिएगा, ये हो गया और ये आपका S और ये रहा आपका 4b, तो ये हो गया 3d8, ये 4s और ये 4p, और यहाँ पर आप टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे तो कैसे भरोगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है,
अब आ जाइए, पेयरिंग होने के बाद आपका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो फोर साइनाइड लिगेंड है तो फोर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी एस पी टू, देखिएगा एक एस सॉरी एक डी एक एस और दो पी ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे होगा क्या कि चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, डी एस पी टू, और जब डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा तब जो आपका मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होने वाली है वो होने वाली है स्क्वायर प्लेनर, समझ गए आप लोग, एक बार सर रिपीट कर दो। देखिए सिंपल सा नोट लिखिए, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर प्रेजेंट देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल ऑकर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम मेटल में आपका क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आप चेक करो सर, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अब यहाँ पे देखो क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इरेज कर देता हूं मैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं, यस सर। इस साइनाइड लिगेंड की वजह से ना ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर अंदर हो जाएगा, पेयरिंग होने लगेगा, समझ गए आप। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके जब इसमें आएगा तो इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, तो अब यहाँ पे एक एम्प्टी हो गया कि नहीं ये वाला ऑर्बिटल, यस सर। और जैसे ही वो एम्प्टी होगा तो अब ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो बनाएगा डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और यहाँ पे अब आप लोग देखोगे तो एक साइनाइड लिगेंड, एक साइनाइड लिगेंड, यहाँ पर एक और साइनाइड और यहाँ पर एक और साइनाइड, ये क्या करेंगे, देखो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे करके ये बॉन्ड बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, yes, अब यहाँ पे चेक करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जीरो जीरो जीरो। अब बताओ क्या ये डायमैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, लेकिन सेम सब कुछ वही था, और ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो क्या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था यहाँ पर, यस सर, पैरा मैग्नेटिक था, तो किसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज बदल गई, सिर्फ आपका यहाँ पर क्लोरीन आप चेक करोगे तो ये क्लोरीन क्या है, डब्ल्यू एफ एल फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड, और वो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेक करो, ये पेयरिंग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, लेकिन वीक फील्ड में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग पॉसिबल है। अब एक बात बताओ आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, बताइए जब आपका पेयरिंग नहीं हुआ, वीक फील्ड लिगेंड था, तो अगर मैं इसमें चेक करूं स्पिन चेक करूं कि भैया कितना स्पिन हुआ, तो बताइएगा कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है बताइए, प्लस वन बाई हाफ, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन कितनी होती है, प्लस वन बाई हाफ, तो बताइए दोनों जोड़ोगे तो टोटल स्पिन कितनी आ जाएगी, वन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। बताओ यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है, हाफ प्लस हाफ, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, टोटल स्पिन वन, ठीक है। अब यहाँ पे ना बाकी ये तीन इलेक्ट्रॉन को मैंने इसलिए छोड़ दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी, एक इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ होगी, तो ये आपस में ही कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएंगे, आगे बता दूंगा, डोंट वरी। सो इतना कंक्लूड करिए कि अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ स्पिन है कि नहीं पूरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की, यस है। तो जब आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन वही आ जाइए, यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये जो दो अनपेयर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ना, एक यहाँ, अब वो क्या कर दे रहा है, इसी को पेयर्ड कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है, कर रहा है, यस सर। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने ही नहीं दे रहा, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं तो आपका स्पिन कम आने वाली है, लो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी आएगी। आप लोग नोट करिए यहाँ पर कि देखो सर, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि अगर आपका WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कैसा बनेगा कॉम्प्लेक्स? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. और अगर मान लीजिए SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बनने वाला है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्लियर हो गया? यस सर. तो कहीं भी आप चेक करोगे कि सर वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनने वाला है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्योंकि वो पेयर कर देंगे. ठीक है, स्पिन का आपको पता होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहाँ पर NiCO4 की बात करते हैं. किसकी बात करेंगे हम लोग? NiCO4. ये एक कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये न्यूट्रल है. तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो निकिल पर जो चार्ज आएगा वो जीरो आएगा. जीरो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखूं 3D. क्या? 3D8 4S2. ठीक है. चलो सर. yes, लेकिन yes. यहाँ पे आप चेक करोगे मिस्टर ऑल जीनियस, तो क्या ये SFL है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. सब लोगों ने, आप लोगों ने नोट किया था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला पूरा? yes, चेक करो सबसे टॉप पे यही है कि नहीं? yes, sir, है. यही है. बढ़िया. तो आ जाइए, अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ. आप लोगों को पहले भी बताया था कि देखो सर, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी. ठीक है. तो देखो सबसे पहले मैं वो 8 इलेक्ट्रॉन फील कर देता हूँ. ये आपका क्या हो गया? 3D8 4S2. कोई ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जीरो है, तो अब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है नहीं. ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन. और इसमें कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा सर. लेकिन साहब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? निकिल जो है वो कौन सा लिगेंड लेके बैठा हुआ है? स्ट्रॉन्ग फील्ड. यस सर. इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर प्रेजेंट देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अकर. ठीक है. तो अब एक बात बताइएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा? यहाँ पर. तो ये पेयर्ड हो गया? हो गया सर. अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक और बच गया है और भी क्या होगा? ये भी जंप करके कहाँ जाएगा? यहाँ पर. बताओ टोटल पेयर हो गया? हो गया. यस सर. अब भूल जाओ इसको. अब बताओ अब यहाँ पे क्या हो गया? 4P और ये भी 4S0 हो गया. तो अब उस केस में SP टोटल कितने लिगेंड है यहाँ पर? 4. तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? 4. बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा यहाँ पर? sp3. शेप क्या होने वाला है? टेट्राहेड्रल. अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब चेक करो. 0. बताओ म्यू की वैल्यू? 0. इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डायमैग्नेटिक. बताओ म्यू की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 0. बताइए क्या ये डायमैग्नेटिक होने वाला है कि नहीं? यस. सेफ पता चल गया. अब बताइए एक कार्बोनिल लिगेंड इसमें इलेक्ट्रॉन देगा एक, ये भी CO इसमें देगा, ये भी CO इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा CO. बताइए ऐसे ही बॉन्डिंग होगी? क्लियर हो गया? yes, बात बताओ कि क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो स्पिन कुछ बची क्या? स्पिन जीरो हो गई कि नहीं? हो गई. स्पिन तो जीरो हो गई ना, क्योंकि कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब क्या होगा यहाँ पर कि भैया ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि वहां पे पेयर्ड हो जा रहा है ना सारा, इसी की वजह से. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो सारे पेयर्ड हो गए, तो अब आपको स्पिन मिलेगा नहीं. चलिए NiCO4 का हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया और कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो कि आखिर में देखेंगे. कितना टाइम बचा भाई? बहुत टाइम है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अब आगे एक और स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. आ जाइएगा. किसकी बात कर रहे हैं? एक सेकेंड.
ये रहा आपका आउटर और ये रहा आपका इनर. तो सबसे पहले आउटर इनर है, यहाँ पर कोई आउटर है क्या? ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ हम लोग. रेडी चले? यस सर. यस सर. आ जाइए. यहाँ पर ना हम बेसिकली इसको डिवाइड कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? डिवाइड. इधर हम देखें, ये एक जो है ना हमारे पास, देखो सर, एक आउटर कॉम्प्लेक्स होगा और एक इनर होगा. तो उसको मैं समझा दूंगा. आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स. चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, कोबाल्ट एफ 6 3-. ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालोगे कोबाल्ट का तो कितना आएगा? +3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. बाकी लोग प्लीज आप निकालिएगा. अब यहाँ पे मैं लिखूं कोबाल्ट को तो कैसे लिखूंगा सर? कोबाल्ट 3+. लेकिन उससे पहले मैं कोबाल्ट का अगर लिखूंगा तो आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो ये हो जाएगा आपका 3D7 4S2. डाउट भी पूछ सकते हैं. अरे एकदम माइक. अब बताइए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3D6 4S0 4P0. और यहाँ पे आप देखोगे, देखो सर 4DB0. लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बाकी तो एम्प्टी है ना. यस सर. ठीक है, चलो बढ़िया है. अब मैं इनके ऑर्बिटल्स डायग्राम आपको नीचे बनाता हूँ, देखते रहिए. ये रहा आपका 3D1 2 3 4, ये आपका 3D6 हो गया, ये क्या हो गया आपका 4S, ये क्या हो गया आपका 4P हो गया, और आगे एक जो बचेगा वो क्या होगा दोस्तों? 4D. क्लियर यहाँ तक? चल अब देखो, सबसे पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन हम भर लेते हैं 3D6 का. ठीक है, ये कारनामा करते हैं. 1 2 3 4 5 6 भर लिया कि नहीं भर लिया? भर दिया. भर दिया. अब आप चेक करो कितने लिगेंड है इसमें. 6 लिगेंड है, यानी कि कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में? तो सर 6. तो देखिए 1s 3p और 2d. बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp3d2. बताइए कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा कि नहीं होगा? यस होगा. चलो सर ऑक्टाहेड्रल. एक बात बताओ सर, आपने पूछा नहीं कि देखो सर ये जो फ्लोरीन है इसमें पेयरिंग क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई पेयरिंग, कोई बताएगा? क्योंकि वीक लिगेंड. आप लोगों ने देखा ना शुरू में कि जितने भी हैलोजन थे वो सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड थे कि नहीं? तो देखिएगा, अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, क्या होगा? नो पेयरिंग. नो पेयरिंग. तो अब यहाँ पे देखोगे कि सर ये रहा एक फ्लोरीन फ्लोराइड, ये रहा एक फ्लोराइड, यहाँ पर एक और फ्लोराइड, यहाँ पर एक और फ्लोराइड, एक और फ्लोराइड और एक और फ्लोराइड. ये 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन दे करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. सर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा. हाँ बोलिए सर. इसको हमने 4D पहले क्यों लिया? वैसे तो 5S की एनर्जी 4D से कम होती है ना. लेकिन देखो 5S और 4D की जहां तक बात कर रहे हो, तो अभी जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो अवेलेबल की बात कर रहे हैं कि देखो अगर मैं 4S को लूंगा तो क्या यहाँ पर क्या मिक्सिंग पॉसिबल है क्या? सर रिपीट करना आपने क्या बोला?
मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने बोला हुआ कि 5 years, आप ध्यान से देखोगे अगर, तो क्या अगर मैं 5 years को ले भी लूं तो क्या 6 orbital मेरे हो पाएंगे क्या? नो सर, नहीं होंगे। आप नेचुरली ऐसा समझो कि अगर मैंने 5 years को भी ले लिया तो भी मुझे 6 orbital की नीड है और 6 orbital कंप्लीट नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू द अगर आप सिस्टम की बात करोगे तो वहां पर भी स्टेबिलिटी वो गेन नहीं कर पाए। समझ गए आप? यस सर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? 4D। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर एक चीज, एक नया टर्म आएगा और वो क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आ जाएंगे, देखिए। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि एक चीज नया टर्म आने वाली है जो कि मैं बताने वाला था, वो ये है कि व्हाइट में लिख रहा हूँ, बताइएगा ये वाला जो डी ऑर्बिटल है क्या ये n-1d है कि नहीं? Yes. इनर ऑर्बिटल? हाँ जी। ये इनर ऑर्बिटल है और ये वाला जो है ये n-d ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है कि नहीं? Yes, sir. समझ गए आप लोग? आउटर का मतलब क्या कि ये बाहर वाला 4D है और n-1 यानी कि एक सेल अंदर वाला 3D 4D है, तो 3D अंदर आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग ये दिख रहे हैं? आएगा। समझ गए आप लोग? तो याद रखिएगा कि अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कैसा होगा? आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम बोलेंगे इसका? आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब एक बात बताओ, आउटर स्फीयर हमने क्यों बोला? क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है ना, हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि सर ये आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, बाहर वाला 4D चाहे 5D पार्टिसिपेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अगर यही डी का अंदर वाला अगर पार्टिसिपेट कर रहा होता तो ये वाला 3D तो क्या बोलते आप लोग? इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्लियर। चलिए, सो ये रहा आपका एग्जांपल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने है इसमें? एन की वैल्यू 6। अरे यार, 6 नहीं है, एन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। देखो ये पेयर्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये 4 है। फोर। एन की वैल्यू 4, म्यू की वैल्यू 4 समथिंग। यस सर। पैरा की डाया? पैरा, पैरा मैग्नेटिक। क्लियर हो गया आई होप? यस सर। अब बताओ, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा कि हाई स्पिन? हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। इसी में ना सेम है, सब कुछ सेम है, बस हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर इनपुट कर देंगे ना तो कहानी पूरी बदल जाएगी। इनर से आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर स्फीयर इसलिए बनेगा क्योंकि पेयरिंग हो रहा है। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं जो हमारा एग्जाम्पल था, कौन सा हमने लिया था? CO CF4 था। आ जाइए, यहाँ पर एक कोबाल्ट लिया हुआ है CONH3 6 और यहाँ पर जो दिया हुआ है 3+। बताइए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्योंकि अमोनिया का क्या हो जाएगा? टोटल जीरो। मान लीजिए इसको आप x मान लो, +6 × 0 = +3, तो आपका 0 ही निकल गया है, पानी +3 आएगा। तो अब क्या कहना है कि देखो सर, पहले आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो ये क्या हो गया 3d7 4s2। सही लिखा है क्या? यस सर। कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में, तो ये क्या हो जाएगा 3d6 4s0 4p0। गुड, ग्रेट। 4p0 4d0। आज हमने यहाँ तक तो ठीक कर दिया। कहानी क्या होने वाली है कि देखो सर, बताओ यहाँ पर NH3 कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब बताओ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। यस, पेयरिंग होगी। ठीक है सर, आ जाओ। कुल मिला जुला के बढ़िया चल रही है क्लास, लग रहा है?
बहुत सही, ग्रेट. 1, 2, 3, 4 and 5 ये रहा आपका 4 years, ये रहा आपका 4B. टोटल कितने लिगेंड है? 6. तो 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, इतना तो पता है. कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा, तो 6 ऑर्बिटल तो चाहिए हमारे पास. तो ये रहा आपका दोस्तों 3D6, ये रहा आपका 4S 0, 4P 0. बताइए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फील करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा कि देखो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भरूंगा कि नहीं भरूंगा? भरेंगे. यस सर. लेकिन आप ध्यान से सुनो कि सर हमारे पास यहाँ पे जो अमोनिया है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या कर देगा, पेयर्ड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. तो जब पेयरिंग करेगा तो सबसे पहले हम पेयरिंग कर लेते हैं, कहानी वही है. तो आ जाइए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. चलिए अब मैं नीचे बना देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. पेयरिंग यहाँ पर हुआ है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो. तो 1, 2, 3, 4 and 5 और ये रहा आपका 4S और ये रहा आपका 4B. ठीक है, अब देखिएगा 1, 2, 1, 2, 1, 2 बताइए 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया इसमें? यस सर. अब हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा. ये रहा आपका 3D6, ये यहाँ से 2 ऑर्बिटल D2 और S का 3. बताइए टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए. यस हो गए. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये देखो 4S ये 4P, तो इसके 3 ऑर्बिटल 4S के 1 और D के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, ये मान लीजिए D2 कर देता हूँ तो टोटल आएगा D2SP3 और आपका कैसा निकलेगा? ऑक्टाहेड्रल. सेम बोल दिया आप लोगों ने, बहुत सही. एक बात बताओ आप लोग, क्या ये इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? इनर डी ऑर्बिटल. हमने क्यों बोला, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स. इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स. इनर स्फीयर क्यों बोला, क्योंकि n-1d ऑर्बिटल, क्या n-1d ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. यस सर. समझ गए ना आप लोग? ठीक yes, है. n-1d ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में सर पार्टिसिपेट किया है, इसलिए क्योंकि ये अंदर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, तो हमने बोला कि n-1. और यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कौन पार्टिसिपेट कर रहा था हाइब्रिडाइजेशन में, बाहर वाला कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स. अब ये भी क्यों हुआ, इनर स्फीयर क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको क्या कर दिया, पेयर करके खाली कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया. मोस्ट ऑफ टाइम कब इनर स्फीयर होगा, सर देखो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा. अब बताइए ये क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, हाई स्पिन की लो स्पिन? लो स्पिन. सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, सारे को पेयर उसने कर दिया है. तो अब मैं आपसे कहूं कि देखो सर ये रहा NH3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया NH3, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर भी NH3. पूरी कहानी आप लोगों को समझ में अब आ रही होगी. बताइए 6 लिगेंड अटैच हुए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. जितने लिगेंड अटैच होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. आई होप. यस सर. बहुत बढ़िया. सो इनर स्फीयर आउटर स्फीयर आप लोग बहुत क्लियरली समझ गए होंगे. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे. यस सर. और प्लीज किसी को डाउट हो तो पूछ लेना यार, ठीक है? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहा था समझाओ जो मैंने करा है. अगर किसी को नहीं समझ में आया है कि पेयरिंग क्या होती है, लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है, आउटर स्फीयर इनर स्फीयर, तो पूछ लेना, मैं यही हूँ. अगर ऐसा ना होता है कि भाई चलो सर थोड़ा शर्म आ रही है क्लास में, तो आप क्या करोगे, पर्सनली भी पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़े अगर इजाजत हो तो. क्या हुआ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी इसकी?
स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी जीरो, समझ रहे हो ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, आई थिंक यही होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन डालोगे 1/2, यहाँ पे एक्चुअली है ही नहीं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका आएगा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। यस सर, समझ गए आप। उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि जेई एडवांस का टॉपिक डिस्कस करूं यहाँ, समझ रहे हो ना आप। ओके सर, चलिए उसको भी कवर करेंगे, पहले हम जेई लेवल का कवर कर लें, जेई मेंस का, फिर हम उसको कवर करते हुए चलें। चलिए, सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अच्छा याद दिलाया आपने, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे उसको। तो एक दो और कॉम्प्लेक्सेस हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, है भी कुछ तीन एक्सेप्शन है, उसको पहले लिखो आप। चलो सुन रहे हो ना, नोट करो इसको। जी सर सुन रहे हैं। नोट में स्टार बनाओ, पहला स्टार, और यहाँ पर लिखो आप लोग कि भैया अगर आपका Ni2+ जो है ना, Ni2+ है, समझ गए, निकिल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वो भी अगर आपके साथ कौन सा है, अमोनिया, कौन सा लिगेंड है दोस्त, अमोनिया लिगेंड, और किसमें होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में, तो ये जो अमोनिया साहब है ना, ये कैसा बिहेव करेंगे, WFN, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, तो पेयरिंग होगी क्या इस वाले कॉम्प्लेक्स में, नहीं होगी, लेकिन अमोनिया बाकी जगहों के केस में कैसा काम करेगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन आप क्या कहोगे कि देखो सर, ऐसा मेटल, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें निकिल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें लिगेंड अमोनिया प्रेजेंट हो, तो वो कैसा काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग वहां पर नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। यस सर, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए Ni, NH3 थ्रायस 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, इसमें कोई पेयरिंग वगैरह नहीं होगा। इसमें जो लिगेंड होगा वो कैसा काम करेगा, WF। चलिए आ जाइए दोस्तों, दूसरा नोट लिखिए यहाँ पर आप लोग, कि सेकेंड नोट, पहला तो हमने बता दिया आपको, और ठीक है चलिए आ जाए, अगर यहाँ पे नोट करिए कि कलर बदल लेता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, क्रोमियम है, क्या है, क्रोमियम कौन से 3+ में है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, NH3 है, क्या है बताइए, NH3। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अमोनिया को ना बॉक्स में रख लो, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन आने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर अगर NH3 है, और कैसा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर भी ये WFL की तरह काम करेगा, और यहाँ पर भी आप लिखिएगा, ये रहा आपका क्रोमियम NH3 6, और यहाँ पर 3+, ठीक है। यस सर, बढ़िया। एक और एक्सेप्शन है दोस्तों, वेट अ मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलिए आ जाए, लिखिए आप लोग थर्ड एक्सेप्शन को, अगर आपका Fe2+ क्या है, Fe2+ है, और यहाँ पर क्या है, अमोनिया लिगेंड है, और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा काम करने वाला है दोस्तों, वीक फील्ड लिगेंड, और इसके लिए आप लोग लिख लीजिएगा, ये रहा आपका Fe
NH3 हेक्सा 2 प्लस. क्लियर है? यस सर. यस सर. तो ये आपके तीन एक्सेप्शन है और क्वेश्चन में एग्जाम हो सकता है ना, एग्जामिनर आपके इसी पास इसी के आसपास आपको घुमाता रहे, तो आप इससे थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आप लोग मान के चलोगे कि देखो सर यहाँ पे जो भी होने वाला है मैं मानूंगा कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये तीन एक्सेप्शन में अगर आपको नहीं पता कि अमोनिया इन तीन केस में वीक की तरह काम करता है, तो जहां पेयरिंग आप करके आओगे वहां पे पेयरिंग हो रही नहीं होगी. समझ गए ना? अमोनिया जो कैडियम क्रोमियम कोबाल्ट कॉपर और आयरन के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करता है और बाकियों के लिए वीक. आप सुनिए पहले ध्यान से, उसमें जो कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन, अगर मैं Ni2+ की बजाय क्या कर दूं Ni 3 प्लस, तब यही अमोनिया लिगेंड कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. फील्ड लिगेंड. समझ गए आप? यस सर. तो आप इस बेसिकली देखिए, अगर यही क्या हो जाए कि एनआई जो ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं यही बोलूं कि देखो सर एनआई एनएच3 4 और यहाँ पर 2 प्लस है 3 प्लस, तो स्क्वायर प्लेनर में ये एप्लीकेबल नहीं है. समझ गए आप? यस सर. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यही तो बोल रहा हूँ कि नोट करिए आप, स्पेशली एक्सेप्शन केस में है कि इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर आपको पता ना हो तब आप क्या करोगे, तब तो आप पेयर करके आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे आएंगे. और फिर आंसर में क्या मिलेगा आपको? नील बटा सन्नाटा बटा जीरो. मैं भी चाहता तो आपको ऐसे ही बोल के निकल जाता, मुझे कोई जरूरत नहीं है. यस सर. लेकिन जो रियालिटी है वो बताना जरूरी है. आप समझ गए? यस सर. यस सर. मैं बोल देता कि भाई ये रहा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इससे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इससे पहले वीक फील्ड लिगेंड है, बोर्ड की तरह मैं पढ़ा के चला जाता, लेकिन बोर्ड की तरह हमें नहीं पढ़ाना है ना, हमें तो ये चेक करके चलना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और आपसे बनना चाहिए. समझ गए आप? यस सर. यस सर. अगर इजाजत हो तो आगे बढ़े. यस सर. तो देखिए ये तीन नोट कर लीजिएगा, इनमें से आखिरी वाला मुझे खुद कंफ्यूजन है, लेकिन बड़ी मुश्किल से कई किताबों में चेक किया, बहुत जगह नोट किया इसको, तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ. समझ गया ना आप? यस सर. ठीक है बेटू, तो इनके कुछ एग्जांपल्स Ni2+ के एग्जांपल्स देख लेते हैं. आ जाइए. Ni2+ कहाँ गया? जी हाँ, आ जाइए दोस्तों, ये रहा आपका Ni NH3 6 और ये रहा आपका 2 प्लस. ठीक है दोस्त, अब एक बात बताओ कि मैं पूरी कहानी ऐसे लिखता हूँ डायरेक्टली कि 3d8 4s2 और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3d8 तो बच क्या जाएगा? 4s2 Ni2+ के केस में, और 3d8 4s0 4p0 ठीक है, और 4d0 होगा कि नहीं होगा बताइए. यस सर. होगा. ये रहा आपका पूरा कहानी, 4p होगा सॉरी, और फिर आपका आएगा 4d. अब आप बताओ मुझे कि अगर आप वही पुरानी वाली कहानी मान के चलोगे कि देखो सर मैंने तो पढ़ा है कि निकिल के साथ में ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने वाला है, तो आप क्या कहोगे कि देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हमने फील कर दिया हुआ है, यहाँ तक तो हमारी कहानी ठीक है, अब आप करोगे क्या, इसको पेयर कर दोगे? करोगे कि नहीं पेयर? अगर आप मानोगे कि देखो सर मुझे पता नहीं है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड हर जगह काम करता है, तो आप क्या करोगे, इसको पेयर्ड करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे. लेकिन Ni2+ के केस में अमोनिया लिगेंड कैसा काम करेगा आपका? वीक फील्ड लिगेंड.
पेयरिंग नहीं करोगे और आगे के ये तीन ऑर्बिटल सॉरी सिक्स ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में और यहाँ पर एक एनएच थ्री लिगेंड देगा, ये रहा एनएच थ्री इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes, sir. ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। और अब एक बात बताइए कि आपके उस एक कॉन्सेप्ट के पता होने से आप देखोगे आपसे अगर वो ये भी पूछता है कि सर एक काम करो ना आप कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता दो, तो आप क्या बोलोगे अगर पेयरिंग होगा तो कि सर ये डाया मैग्नेटिक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि ये क्या है बताइए आप? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो चलिए आप इसको थोड़ा सा एक दो एक्सेप्शन से नोट कर लीजिए, जैसे ना कि वो लोग ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि चार ऑप्शन दे दिया, चारों में आपका सेम फॉर्मूला लग रहा है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शन वाला है वही राइट आंसर होगा और हम वही करके आएंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। अब बताइए यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि सर पेयरिंग हो जाएगा ना तो म्यू की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, लेकिन म्यू की वैल्यू आ कितनी रही है? टू पॉइंट समथिंग, टू पॉइंट कुछ। यस सर। डन दोस्त? यस सर। यस सर। यस सर। अब आ जाइए, आप लोगों से मैं यही बोलता हूँ कि एन आई एन एच थ्री सिक्स थ्री प्लस और ये रहा आपकी कहानी बताइएगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? 3d7 4s0 और 4p0 4d0 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखेंगे। डायरेक्टली लिख दिया, देखो ना 3d8 है तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया प्लस टू से प्लस थ्री। अब बताइए यहाँ पर जो ये ns3 है वो कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अब आप समझ गए दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3D7 है कहानी कुछ ऐसे होने वाली है 1, 2, 3, 4 and 5 and जो भी हो जाए, so 3 to 5 yes, और ये रहा आपका यहाँ और ये रहा आपका यहाँ 1, 2, कुछ बड़ा ही बना दिया मैंने। ठीक, तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 0, 0, 0 और बाहर वाला ऑर्बिटल आएगा तो 1, 2 सही लिखा है मैंने, आप लोग चेक करिए बताइए। यस सर। यस सर। अब बताओ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग तो होगी सर, मैंने मान लिया कि पेयरिंग होगी, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पे जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आया तो पेयरिंग हो गई? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन तो मैं भूल गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी नहीं जा सकता ना? Yes, sir. तो अब एक बात बताओ कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ सर ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप चेक करोगे तो वो रह जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसी एक m की वैल्यू 1 की वजह से म्यू की वैल्यू कितना आएगा? 1 point something. ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, क्योंकि पेयरिंग, तो ऐसा मत मान के चलिएगा कि हमेशा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा ही होगा, नहीं मतलब सॉरी पेयरिंग होगा लेकिन स्पिन जीरो होगी, नहीं एक अनपेयर्ड बच सकता है उसमें। अब बताओ कि बाकी जो NS3 मॉलिक्यूल्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक ही NS3, अब वो होगा क्या कि कौन कौन सा हाइब्रिडेशन इनर होगा कि आउटर होगा? सर इनर होगा। इनर की कंडीशन क्या है सोचो आप लोग? सर आउटर है। आउटर होगा सर, आउटर। ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ना इसमें क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, अब कौन करेगा? ये 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 और डी, समझ गए ना? यस सर। आउटर स्फीयर आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगी क्योंकि लिगेंड आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। Yes, sir. आप लोग देख रहे हो ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड किसकी वजह से हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने की वजह से। यहाँ पर निकिल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में था दोस्तों? प्लस टू के ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहाँ पर कौन सा आ गया? प्लस थ्री। इसको आप लोग देखिएगा, मेनली आप इन तीन चीजों पे फोकस करिएगा। आखिरी वाले मैंने कई किताब से निकाला है पर फिर भी मैं इसको वेरीफाई करके बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है? ओके सर। यस सर। 12 मिनट अभी टाइम है, अभी टाइम है, सो बढ़िया है।
उम्मीद करता हूँ वीबीटी आपको कंप्लीट समझ में आ गई है। यस सर। यस सर। तो आप लोग सॉल्व कर लोगे ना क्वेश्चन? हाँ जी। यस सर। तो आप लोग क्लास के बाद थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस कर लेना और कुछ किताबों में ढूंढना, आप लोग नोट आपको मिल जाएगा और मैं भी आपको नोट्स भेज दूंगा। एलन का मैंने मटेरियल भेजा है कि नहीं भेजा है? नो सर, नहीं। अरे यार मैंने ग्रुप में डाल दिया है दोस्त।